और ये उठा चाह बेचा हमने मान जान जो है माई बाप हैं यूनू कहने का बा मैं तो चाह बेचूँ वह डुग डुगी हला के और ये बोटा मुँह की ढपकुला खा रहे हम जो भाटे चूट उठ में भी बजा हुआ डुग डुगी तो जी मोदी जी बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री हैं ना हम ना मानते ताकतवर है जनता प्रजातंत्र राज है हम जो चाहते तो टड़की पलटने से केस पलट दोगे पर भी चाह रहे हम मतलब जो क्या कर रहे हैं महिला क्या कर रहे हैं सबसे ज्यादा सांसद हैं उनके है? पूरी पावर में हैं कितने सांसद हों सारे बेईमान ने क्या खेल ईमानदारी का एक नहीं चाहिए आज वोट गिरवा लो फेज कर वोट तो मिला था उनको वोट तो ईमानदारी का रिमोट लेकर बैठ गए रिमोट लेकर बैठ के बगल 3 किलोमीटर के दायरे में वो जो है रिमोट दबा रहे वोट दे रहे हम किसी को वोट जा रही मोदी जी का ताओ जी जो भाजपा के नुमाइंदे हैं जो कार्यकर्ता वो ये कह रहे हैं कि ये असली किसान नहीं है असली किसान अपने खेत में सिंचाई कर रहा है गन्ना काट रहा है ये तो यहाँ पे हलवा पूरी खाते हैं मजे से लौटते हैं भाई नकली तो है मोदी और हम है असली मोहर लगे हुए और वो है नकली वोट अपना ठा कर बैग भाग जाएगा हंटर और हमें तो यही रहना यही करना यही खाना जी 51 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के कई बोर्डरों पर सरकार तो टस से मस नहीं हो रही है भाई टस से मस तो हो जाया पर इसमें थोड़ी कमी आ रही भी जो तो पहले मान जाती और इधर मानना पड़ेगा ताऊ जी सरकार नहीं मानेगी बिल्कुल मानना पड़ेगा ये सरकार है ना मोदी सरकार ये कोई बात नहीं मानती कोई फैसला वापस नहीं लेती है इनने तो ये कुनबा यहाँ घेर लिया ये तो मतलब अनुमान तो था तो माई बाप और माई बाप मान के देते थे यहाँ मतलब गड़बड़ी ईवीएम में हाँ गड़बड़ी है खूब पक्की गड़बड़ी लेकिन कहीं निकल के तो आया नहीं है कोई निकला तो निकल के तो इनकी पूरी सत्ता है बहुमत में है सब ठिका दी आज वो काम है जिसकी लाठी भैंस उसी की है इनकी लाठी भैंस इन्हीं की हो रही वो तो कहते हैं कि जब हार जाते हैं बौखलाहट में ऐसी बात करते हैं हाँ 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 ईब का पटा पा जाएगा मोदी जी को ईब का बौखलाहट का इसका महली का पटा पा जाएगा कुकर हार रहे हैं कुकर जीत रहे हैं ताऊ जी ये जो कानून लेकर आई है मोदी सरकार हाँ, जो कानून है तीनों हाँ, वो कह रहे हैं कि इन कानूनों को पहले आप 1-1.5 साल पहले देख लो अच्छे दिन आएंगे आपके आपकी आय बढ़ जाएगी यू तो नू कह रहा है हंटर चले जाऊँ उठ कर सुनो यू नू कह रहा है हंटर चले जाऊँ उठ कर बस नू तो हम जानी पर हमारा खून बात जुड़ गया इब तो इसमें आर पार की लड़ाई है हमारी इसमें फिर देश कौन चलाएगा मोदी चले जाएंगे हाँ देश कौन चलाएगा ये तो पहले से यहाँ चलता है देश वो दूसरा भाई आओगा जिसे मतलब जनता चुनने की वो आओगा फिर का ऐसा कहा मोदी के लिख रही है जो बाबा रामदेव है पतंजलि के मालिक है जो हाँ उन्होंने कहा है कि मोदी जी के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है कोई नेता ही नहीं है दूसरा जो देश को चला ले यहाँ ये मतलब अनुमान नहीं 130 करोड़ की मतलब आबादी में भी एक मेडू जो है मोदी मोदी बस और है ही नहीं कोई भी तो बीजेपी वाले यही तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है ना हमने मान दे दिया मान दिया था बहुत बढ़िया मानना हर हर मोदी घगर मोदी करते हैं आपके लड़के है हर हर मोदी घगर मोदी करते हैं जो उनसे हुआ इनने जो है नी नू कहा रोजगार दे वहाँ सबको कोई भी हो छोटा बड़ा सबको इन्होंने रोजगार दिया एक बेटा तो हमारे सीमा पे खेजा एक पे वहाँ घरों हमारे पूरी नहीं उठती कह नू बच्चा कर लो 1-2 बार मतलब 3 बार को मैं टिकट नहीं दू है और भाई ये जो शांत छूट दिए मतलब अनुमान तो वो पुष्पा जो है गाँव पे गड्ढा चढ़ा के और ये सांड फिर इन्होंने मानस मार के गए जो मरखने हो रहे पेट में सींग दे हमारे रात हुए भले तो नहीं हटते आप लगा दे आरोप की बछड़ा छोड़ दिया सरकार ने हाँ वो तो बछड़े आपके ही है गाय बछड़े कौन ऐसा मीठा बहादुर है या मोदी हो या योगी हो मतलब वे अपने घर ठाम कर दिखा दो वे इतने ठहरे हैं तो वे अपने घर ठाम कर दिखा दो उन्हें है एक किसान पे ये क्या कितने मालदार है ये गाँव का ब्याह ठमनी वो कहते हैं गाय की पूजा करो गौ माता है गौ माता है देसी ये गढ़ी गाय ना है जो उनसे रोक कर बैठा दिए वो तो ताऊ जी आपकी ही तो गाय है वो ना 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 गाय है हमारी देसी माता पूज की वो है मेरा हिंदू धर्म में और ये छोटी अमरीकन यहाँ का जाकर या खड़ी खेती इनका तो दूध पी पी का मांस कटो गुड्डू में मतलब हो गए हाँ ये बहुत बड़ी समस्या आपके लिए हाँ है तो खेती वेती अपन कहें पर टूट दे घना टूट दे ये क्या टूट दे ये पानी है पी लो ताऊ जी सरकार और मोदी जी प्योर माल महाराज मतलब अनुमान कुमार आ गया
सरकार और किसानों के बीच में बार बार वार्ता हो रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, लेकिन सरकार तो नहीं मान रही है आपकी मांगों को। भाई हमें सुप्रीम जो है कोर्ट देखो मारा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, मारे सरकार सरकार की मारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, आप तो है? सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया है। बस सुप्रीम कोर्ट तो सरकार नहीं तो बैठा बीच में, हमने नहीं बैठा। अच्छा हाँ, सुप्रीम कोर्ट सरकार बैठी बीच में, हम नहीं बैठ रही। ताऊ जी जो मोदी सरकार है वो किसानों को 6000 रुपए देती है एक साल में, एक साल में 6000 रुपए दे रही है आपको, फायदा हो रहा है उससे? टुकड़ा दिखा के भका में हमें, हम ना आए भका में तो 6 के 12 वापिस कर देंगे हम इसके, पर हमारा मतलब है भाव ठीक रख दे, पर हमें मतलब बसा दे, मतलब बसे रख दे हमें, जहाँ हम अपनी जगह पर खा कुमारे, हम खा कुमारे मजदूरी कर रहे हम तो। वो कहते हैं गन्ना ज्यादा बो रहा है किसान यहाँ का, ज्यादा गन्ना बोता है, और यहाँ गन्ने की खेती वो बोल रहा है, यहाँ शकरकंदी बोवेंगे हम। गाँव की हालत यही है, गाँव बो के देख लो, गाँव की क्या धान की क्या, नहीं यहाँ तो गन्ने की खेती है, यहाँ शकरकंदी थोड़े बोवेंगे हम, यहाँ शकरकंदी बोवे वहाँ शकरकंदी हो, जहाँ मूढ़ी बोए वहाँ मूढ़ी हो, जहाँ आलू बोवे वहाँ आलू है, और जब सब फसल एक करने लगेंगे तो गाहकी जो जूटा मतलब भी ना है, फिर तो हम इधर कहाँ जू फिरेंगे, मोदी के सिर पर गिरेंगे हम इसे। जिनको आपने वोट दिया था, आपके एमपी एमएलए हैं, वो आपके लिए आगे नहीं आ रहे हैं कोई भी, अब आपके साथ नहीं खड़े हैं वो, ये ना तो कुर्सी भी कुर्सी का चिप के बैठे नू लिखे हमारे चूट डू कर कुर्सी हटके भाग जा, एमपी एमएलए तो नहीं बनाया जा, अपने क्षेत्र का भाई हमारा काम आऊगा, काम देगा हमें, हैं? वे तो गाँवों में घूमन ना जाते, उनके डॉक्टर तो वे गाँव मर जाओ या भाग जाओ, उन्हें क्या परवाह पड़ती है। लेकिन वोट तो ले लेते हैं आपकी वो। हाँ वोट ले लें भका के, आप भकाए में जाते हैं? हम भकाए में तो नहीं आ जाओ, जरा भाजपा की रहे थी, हमने बताया था जो काली कुछ या कुछ छा डे वो भी हो जाती है, इब तो पे इब तो पहले इब नहीं हो, इब तो मोदी के लिए है लाल पेट के, हाँ इब तो मोदी जी को भी लाल ले हैं। ताऊ जी सरकार के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि ये असली किसान नहीं है, ये नकली किसान है, हमने भाई तो बताई, हमने तो भाई नहीं असली मोहर तो मारे, और नकली मोहर है मोदी पे, मोदी दिखा दो ना कहाँ असली कौन है। हाँ नहीं मोदी तो अपना ठा के बे नुकारी, हम तो नंगे मोदी भी योगी भी बाबा जी हैंगे, ठा के बे कहीं मोरा भाग जाएंगे या कहीं गंगा के खोले में बेच देंगे जाके। तो बढ़िया काम कर रहे हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश खुशहाल इस टाइम बहुत ज्यादा। हाँ योगी ने बहुत उत्तर में भाई, मतलब नहीं 10 साल का बच्चा हो या 20 साल का हो या 90 साल का बुढ़ा रहे, चोट बनाओ खेत में खिला लट्ठी दोनू है, उनने तो बहुत बड़ा सांग भरा क्या हमारा, हमें पता है दिन में हिल्ला करना, रात को मोटा फसल जो है राख ली, कानून आ गया तो आप बेच सकते गाय वाय को। ये तो पहले तो मरते आए और वे आए मरते थे, जो उनसे बछड़े मतलब घी पिया करे थे हमारा खुंटे पे खड़े खड़े, वे बीमार में गए, किसी में इतनी सामर्थ नहीं है जो उसका, कोई कोई भगवान है जो बुढ़ापा उसका पूरा पैर उतर जा है? और गाँव को उतर जा डॉक्टर, जो देसी गाँव है आज भी हिंदू धर्म में न तो बेस्ट था, वो अपने बैर गई बुद्धि करे उसे, मारे बंधी 3 गाँव जाकर देखो, एक गाँव छोड़े पर बैल दी मरीज के मरेगी बेचे बिल्कुल भी, ठीक है।